करीम अम्मा पर मौजिद समाई वो हजरत और मेरे अमूमर साथियों अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, इम्लाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना आपके लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। जो मैंने शेर पढ़ा है इसके ताल्लुक से जो इंटरनेट है जिसका इस्तेमाल फायदे के लिए लेकिन इसका इस्तेमाल फितने में तब्दील हो गया है। लोगों में सोशल मीडिया का रुझान आम होता जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ सालों से सोशल मीडिया ने हमारे नौजवान नस्ल को बुरी तरह अपनी शिकंजे में कस लिया है। पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा वगैरह ऐसे कई ऐप्स ने हमारे नौजवान नस्ल को दबाव बर्बाद कर दिया है, जबकि जिस मुल्क में ये ऐप बनते हैं वहाँ के नौजवान नस्ल पर ये बैन होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके जहन पर इनके आंखों पर क्या असर करेंगे और इन सब की वजह से हमारे नस्ल तनाई का शिकार होकर डिप्रेशन में चली जा रही है और नोबल सुसाइड यानी खुदकुशी तक आ जाती है। दुनिया में हर चीज का ज्यादा इस्तेमाल उसे गलत बनाता है, उन्हीं में से एक इंटरनेट है जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाही के ज़ारे पर आगे करी है। दुनिया में दो तरह के गेम होते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर गेम से तो हमारी नस्ल का नौजवान बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, पर आउटडोर गेम से नहीं है। अगर वो आउटडोर इसमें ज्यादा से ज्यादा गलती उनके माँ बाप की है। अगर वो आउटडोर गेम खेलने जाते हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं, रुक जा, मत जा, गिर जाएगा, मार लग जाएगा, तुझे कोई ले पकड़ कर ले चले जाएगा। इसकी वजह से वो मोबाइल लेकर बैठ जाता है और वो उस चीज का इस तरह आदी हो जाता है कि नतीजा ये चलकर ये होता है कि वो आगे चलकर गली के चबूतरों और पान पट्टियों पर नजर आता है। इसलिए मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि उसे स्पोर्ट और इंटरनेट से दूर रखे, ताकि वो आगे चलकर अपने नेटवर्किंग के मकासिद पूरे कर सके, ना कि अपने जिंदगी के मकासिद भूले। इस वजह से मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना चाहती हूँ कि हमारी आने वाली नौजवान को इस फिटने से, इस खराबे से दूर रखे और उन्हें एक सबसे अच्छा और बेहतर इंसान बनाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम राज इंदौरी के इस शेर पर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक ना एक दिन हमारी नौजवान नस्ल एक शेर की मालिन जरूर बनेगी। कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं, कभी धुएं की तरह पर बतों से उठते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उठते। खुदा हाफिज़।